सरदार साहब ने एकता का काम किया था, वही सरदार साहब का स्मारक एकता का संदेश बन जाए। और इसलिए हम हिंदुस्तान के हर गांव से, हर गांव को जोड़ना चाहते हैं। पृथ्वी ऐसी बनेगी जो सदियों तक सलामत रहेगी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो स्थापित है गुजरात के एक सुदूर इलाके में, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो बना है नर्मदा नदी के छोटे से टापू पर। हमारा कर्तव्य यह है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको मिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता, जिन्होंने भारत को बंटने नहीं दिया, उसे एक रखा, हिंदुस्तान की एकता यानी यूनिटी बरकरार रखी। इसीलिए उनकी याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया। मोदी ने इसकी कल्पना तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सरदार साहब की भव्य प्रतिमा और उस प्रतिमा को विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने का सपना। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर इसलिए है क्योंकि गुजरात में भी 182 विधानसभा सीटें हैं, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लोकतांत्रिक कनेक्शन और महत्व भी है। और गुजरात जब लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए गुजरात का निर्णय लेकर हमारा काफिला भी पहुंच चुका है नर्मदा नदी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर।